please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। वेस्टर्न लाइन पर लोकल तो शुरू हो गई है, लेकिन सेंट्रल लाइन पर लोकल ट्रेन की आवाजाही अभी भी कई जगहों पर ठप है और साथ साथ कई यातायात वहां पर ठप है, जिसके कारण आम जो जनता है, मुंबईकर है, उनको दिक्कतें हो रही है। हमारे सहयोगी संदीप सोनवलकर ने जायजा लिया इलाके का। मुंबई में बुधवार की सुबह बड़ी अलसाई हुई नजर आ रही है। आमतौर पर इस समय एल्फिस्टन रोड के इस पुल पर जबरदस्त भीड़ होती है और सामने ट्रेनों की आवाजाही दिखती है, लेकिन अभी ट्रेनें बहुत धीमी रफ्तार से चल रही। सिर्फ वेस्टर्न रेलवे पे आपको दिखाऊं, ये देखिए लोकल ट्रेन कितनी धीमी रफ्तार से आना शुरू हुई है। लोकल ट्रेन अभी तक वेस्टर्न रेलवे पर ट्रेनें चालू हो गई हैं, लेकिन वेस्टर्न रेलवे पर चूंकि रास्ता खुल गया और पानी उतर गया है, लेकिन जाहिर तौर पर लोगों को अभी भी देखिए अब स्टेशन पर भीड़ है। सिर्फ जाने वालों की, ये सब वो लोग हैं जो रात भर से स्टेशन पर जमे हुए हैं और अब घर की तरफ जा रहे हैं। दफ्तरों से लोग आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि किसी तरह उनको घर पहुंच पाए। रात बड़ी मुश्किल से कटी और अब सुबह आने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल रेलवे का नज़ारा, ठीक उसके सामने सेंट्रल रेलवे की लाइन जाती है। सेंट्रल रेलवे देखिए यहाँ पर एक के बाद एक ट्रेनें लगातार लगी हुई हैं, ना ट्रेनें हिल रही हैं, क्योंकि इससे ठीक आगे जाकर जैसे लोअर परेल का इलाका चालू होता है और सैंड का इलाका चालू होता है, वहाँ पानी भरा हुआ है, इसलिए सेंट्रल रेलवे के ट्रैक्स पर पानी भरा हुआ है। जाहिर तौर पे लोग धीरे धीरे, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दफ्तर से निकलना शुरू हो गए। रात भर आपने कहाँ काटी भाई साहब? ऑफिस में। आप जा रहे हैं वापस? अभी आएंगे जाके, अभी घर पे जा रहे हैं। आप भी वापस जा रहे हैं? अभी आएंगे, अभी आएंगे। जाहिर तौर पर लोग, तमाम वो लोग हैं जो दफ्तर में रात भर काटने के बाद अब वापस जा रहे हैं और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वेस्टर्न रेलवे चालू हो गई, सेंट्रल रेलवे चालू हो गई, लेकिन मीठी नदी में लगातार उफान बना हुआ है, जिसके चलते साइन और उससे आगे वहां पर लगातार ट्रैक पर पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं जो स्थिति बताएंगे मुंबई की क्या है। परेल से जुड़ रहे हैं दिनेश मौर्य और कुर्रा से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह। दिनेश जरा स्थिति बताएं वहां पर क्या है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, वहां कम से कम घुटनों तक पानी भरा हुआ था, लोग बेहद परेशान थे। पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था है वहां पर? देखिए यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई बीएमसी की तरफ से। मॉनसून में पहले दावा किया गया था कि बड़े बड़े पंप लगाएंगे, लेकिन मैं फिर एक बार आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पंप यहाँ पर नहीं है और बरसात रुके ऐसे में काफ़ी आसान होता बीएमसी के लिए यहाँ से पानी निकालना पंप के दौरान, लेकिन यहाँ पर पंप नहीं लगाए, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए किस तरह से लोग यहाँ से आ रहे हैं। एक सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ अर्पिता, इसी रास्ते के जरिए दो बड़े अस्पताल केम हॉस्पिटल और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के रास्ते यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन पानी भर जाने की वजह से कई सारे मरीज भी फंसे हुए हैं, तो स्थिति सामान्य होती नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको फिर एक बार यहाँ का रास्ता दिखाना चाहूँ, किस तरह से लोग जो है वो यहाँ से आ रहे हैं इस पानी के बीच में से। कई बुजुर्गों को, महिलाओं को आप देख सकते हैं जो पानी के बीच से गुजरते हुए और कुछ हैंडीकैप भी इस पानी के रास्ते से गुजरते हुए अपने मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जितना पानी दिखाई दे रहा है उससे करीब 100 कदम आगे हिंद माता है, वहाँ पर करीब घुटने से ज़्यादा पानी है। ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई रेलवे ट्रैक्स पर अब भी पानी जमा हुआ है, इसी वजह से सेंट्रल रेलवे के कुछ दूरी तक रेलवे लोकल ट्रेनें नहीं चल पा रही है और फिलहाल बारिश रुकी है, ये राहत की बात जरूर है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल से मुकाबले आज और ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसे में समस्या हो सकती है। सरकार ने अपील की है लोगों को, बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, स्कूल कॉलेजेस सब बंद कर दीजिए। आप दोनों बने रहिए, मुंबई के सीएसटी के बाहर भी दिखा दें, अभी भी लोग घर जाने के लिए वहां गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गाड़ियां वहां नहीं मिल रही हैं। बारिश बंद होने से कुछ हद तक पानी कम हुआ, लेकिन गाड़ियों की जो रफ्तार है वो अभी भी सुस्त बनी हुई है। कुछ ऐसा ही आलम दूसरे इलाकों का भी वहां पर है, लोग फंसे हुए हैं, यातायात की सुविधा वहां पर नहीं है, लोग जिस जगह पर हैं, अगर ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस में ही पूरी रात उनको बितानी पड़ी, और अगर वो किसी काम के लिए या अस्पताल के लिए निकले हैं तो वो भी रास्ते में फंस गए हैं। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। आशीष जरा बताइए, यातायात की सुविधाओं को देखते हुए क्या वहां पर यातायात चालू किया गया, क्योंकि वहां पर ओला उबर जैसी कैब भी बंद की गई हैं, साथ ही साथ वहां पर लोकल भी कई देर के लिए ठप हुई थी, अभी शुरू हुई है लेकिन सेंट्रल लोकल शुरू नहीं हुई, और यातायात की क्या सुविधा जिसके कारण जो लोग फंसे हैं वो अपने गंतव्य तक जा पाए? देखिए
अर्पिता, जिस तरह से वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की लाइनें शुरू हुई हैं लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल पाई हैं, उसी तरह से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। LBS मार्ग ये पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर जो बसें हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं सड़कों पर। जो लोग जहाँ पर इस पर आपात स्थिति तैयार हुई वहीं पर गाड़ियाँ छोड़कर रवाना हो गए थे, और इसी वजह से ईस्टर्न मुंबई को जोड़ने वाला ये LBS रोड जो है वो पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं जो है तो वो ठप पड़ा हुआ है। और ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये जितने भी रूट को जोड़ने वाला ये रास्ता है LBS, वो कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में ओला उबर जैसी जो सेवाएं हैं वो चाहकर भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकती। लोग जहां पे फंसे हुए हैं वहीं पर फंसे रह गए हैं। इसके अलावा लोगों को पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता जो है वो बसता नहीं है। फिलहाल से राहत की बात केवल यही है कि बरसात थमी है, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अपने मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेताया कि अगले 24 घंटे लगातार जो है वो तेज बरसात हो सकती है, और लगातार जिस तरह से पिछले 24 घंटों में बरसात हुई है उसी तरह से अगले 24 घंटे होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों के बाहर ना निकले। बिल्कुल, आप बने रहिए आप दोनों ही हमारे साथ। मुंबई के परेल में अभी भी पानी भरा हुआ है। सहयोगी मौजूद है, हमारे तस्वीरें दिखा रहे थे, सड़कों और दुकानों में पानी भर गया है। रात भर घर नहीं पहुंच सके जो लोग हैं, अब बारिश थमने पर धीरे धीरे अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने इलाके का जायजा लिया। मुंबई के परेल इलाके की स्थिति 24 घंटे बाद भी नहीं बदली है। स्टेशन के बाहर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से पानी जो है अब भी लोगों के घुटनों तक है। देर रात से लाखों लोग इस इलाके में फंसे हुए थे, लेकिन अब वो जो है धीरे धीरे अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। इन गाड़ियों को मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर फंसी हुई इस पानी के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश करें। मेरी दाईं तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा महिलाएँ जो है वो देखिए उन्हें किस तरह से संभलते हुए इस पानी के बीच कदम रख रही, क्योंकि कई जगहों पर यहाँ पर नाले हैं, नाले में गिरकर कई लोग कुछ लोग कल जख्मी भी हो गए थे, इसीलिए लोग भी जो है बड़े संभल कर आ रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ एक इम्पोर्टेंट बताऊँ, यहाँ पर मुंबई का जो चेहरा है वो देखने को मिला है, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आ गया है यहाँ पर। साथ ही में जो बाईं तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो दुकानें हैं उनमें और जो घर है उनमें जो है ये पानी है अब भी भरा हुआ है। लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि करीब 24 घंटे बरसात हो सकती है, ऐसे में समस्या कम होती होने वाली नहीं है। हाई टाइड का भी वक्त है, अगर पानी बहुत ज़्यादा आया तब यहाँ पर मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दिनेश हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए आशीष भी बने हुए हैं। दिनेश, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, लोग वहां परेशान हैं। आपने जब रिपोर्ट भेजी तब से लेकर अब तक स्थिति तकरीबन वहां पर वही लग रही है, क्योंकि वहां पर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आम लोग अगर आपके साथ मौजूद हो उनसे बात हो पाए किस प्रकार से वो परेशान है। चलिए मैं लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। भाई साहब, आप कब से फंसे हुए यहाँ पर, कहाँ जाना चाह आपको? मैं सायन पे जाने वाला था तो ट्रेन अभी उसके बाद अपने दादर और परेल के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटा खड़ा है। अच्छा, 2-2.5 घंटे खड़े। भाई साहब, आप यहाँ पे आइए, आप लोग जो है कब से यहाँ पर आ रहे हैं और कहाँ जाने की कोशिश जो है कर रहे हैं? मैं देखिए यहाँ पे ये लोग जो है यहीं पर फंसे हुए हैं, यहाँ जाना चाहते हैं लेकिन गाड़ियाँ यहाँ पर पानी भर जाने की वजह से ये आगे निकल नहीं पा रहे। भाई साहब बताइए, आप कहाँ जाना था आपको? हमको तो टाटा हॉस्पिटल जाना था कल से। कल से जो है 10 बजे से यहाँ फंसा हुआ हूँ। पानी भर जाने की वजह से ये आगे निकल नहीं पा रहे। भाई साहब बताइए, आप कहाँ जाना था आपको? हमको तो टाटा हॉस्पिटल जाना था कल से। कल से जो है 10 बजे से यहाँ फंसा हुआ हूँ। 10 बजे से आप यहाँ पर फंसे? मैंने आपको बताया था अर्पिता, 2 बड़े अस्पताल लोग फंसे। भाई साहब बताइए, आपको कहाँ जाना था? हॉस्पिटल जाने का है, पैर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे डॉक्टर को मिलना जरूरी है। मिल नहीं पाए कल से आप यहीं पे? नहीं मिल पाए अभी। आज जाना जरूरी है, जाना जरूरी है, ऐसी हालत हो रही। भाई साहब मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना था आपको? तो कांटी बजे से आया हूँ, इसके साथ जाने का है। अच्छा, डॉक्टर कुछ खाने का है, कोई नहीं हो पा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करें। मैडम, आप यहाँ सामने से आ रही, कितनी तकलीफ हुई है आपको? हमें तो इतनी तकलीफ हुई है, हमारा दिल जान रहा है। बस आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है। ये वो लोग अपनी परेशानी बता रहे, कुछ और लोग हैं मेरे साथ। बताइए आप भाई साहब कहाँ जा रहे थे और कितने रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुई आपको? कल मैं शाम को अंधेरे में था, सुबह में विल्सन ब्रिज उधर से। आज क्या हुआ रहा आपके साथ, कैसे मुश्किल से पहुंची आप? मैं आप अंधेरे में मेरे बोरों में भाई के पास रह गया, फिर सुबह आते हुए टाइम में बहुत लेट से बहुत ज्यादा मिले। आप बताइए, आपका स्कूल कॉलेज कहाँ पढ़ते, कहाँ जाना आपको? मैं कल्याण में पढ़ता हूँ और अभी आता है अपने भाई के पास में।
बिल्कुल रात से यहीं पे अटका हुआ हूँ। कल रात से यहीं पे अटके हैं। मैं अर्पिता बता दो, इन जैसे करीब 2 लाख से ज्यादा मुंबई कर जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। कुछ जैसे ही ट्रेन शुरू हुई तो कुछ लोग अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन अब भी कई जगहों पर जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल देख पा रहे हैं दिनेश, हम लोग कितने परेशान हैं, फंसे हुए हैं और वहां निकासी की कोई सुविधा नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद से वहां बारिश होगी और अगर ऐसा हुआ तो स्थिति और खराब होने वाली है। आप दोनों बने रहिए। और मुंबई से आपको बता दें बड़ी खबर एक और कि मूसलाधार बारिश के बाद हालात तेजी से सामान्य होने जरूर अभी शुरू हो गए हैं। रात 2 बजे के बाद बारिश थमी है, वेस्टर्न लाइन पर लोकल सेवा शुरू हो गई है और वेस्टर्न सब अर्ब एक्सप्रेस वे भी खोल दिया गया है, लेकिन सेंट्रल रेलवे की लोकल लाइन पर कई जगह मुश्किलें बनी हुई हैं। दादर, हिंदमाता, सायन, परेल और किंग सर्कल में कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कई जगह रात भर जाम के हालात बने रहे। मुंबई के सभी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे और दफ्तरों में भी कर्मचारियों को छुट्टी पर रहने की सलाह दी गई है। आशीष, आपके पास वहां लोग जो मौजूद हैं उनसे जरा बात कीजिए, तस्वीरें दिखाइए, यातायात किस तरीके से वहां पर ठप है, आने जाने के लिए क्या विकल्प है लोगों के पास वहां पर अब? कि आने जाने के लिए विकल्प की बात करें तो केवल विकल्प यही दिखता है कि लोग पैदल ही निकल पाए। जो स्कूली बच्चे हैं, बेटा आज स्कूल चालू है आपका? नहीं। तो आप क्यों बैग लेके निकले हुए? बोले तब स्कूल छुट्टी है, लेकिन बोलते बच्चे भी निकले हुए हैं। हालांकि स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर की गई हुई है, लेकिन बच्चे निकले हुए हैं। साथ ही साथ लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और साथ ही साथ रवाना हुए हैं कि किसी तरह से अपनी जगहों पर पहुंच सके। आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग जो है LBS से आ रहे हैं, कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियाँ, कितनी देर से निकले हुए हैं? बहुत देर से निकले हुए हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, पूरा रोड ब्लॉक है, पूरा जाम लगे है। और एक बात बताएं, दफ्तर जाने के लिए जल्दबाजी है कहीं ना कहीं, कल कैसे पहुंचे थे और अब कैसे निकल पाए हैं? बहुत मुश्किल से, बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने से, दिक्कत बहुत आ रही है। आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हैं और कितनी तकलीफें झेली? सर मैं MP जिला छिंदवाड़ा से आया हूँ, यहाँ कुछ काम से आया था, फंस गया मैं, नासिक में उतरा, ट्रेन में उधर ही रुक गया, वहाँ से बस में आया, रात को इतना पानी में चल के इधर थाने में। आप अंकल छिंदवाड़ा से आए हैं, हम भी बहुत मुसीबत में फंसे, घुटने पानी से, हम लोग बहुत दो दो तीन तीन बार गाड़ियाँ बंद हो गई। आप बताएं। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी उधर फंसी है, मैं भी पानी में गाड़ी छोड़ के यहाँ तक जान बचा के आ गया हूँ। कुछ लोग जान बचा कर बाहर निकले हैं तो कुछ लोग जो है बाहर से जो किसी काम से आए हुए थे वो फंसे हुए हैं। बच्चों के स्कूलों के लिए प्रॉब्लम हुई है तो कहीं कोई जो है ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए ऑटो रिक्शा छोड़ के भागा हुआ है। और इसी बीच मुंबई में बरसात एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं बिल्कुल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, आप जहां मौजूद हैं बारिश में भीग के आप इस वक्त वहां की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दोनों लोग बने रहिए, आप और दिनेश। मुंबई में भारी बारिश की वजह से मुंबई हैदराबाद मेल ट्रेन जो है वहां पर भी 100 से ज्यादा यात्री कल दोपहर 1 बजे से लेकर अब तक कुर्ला और सायन स्टेशन के बीच फंसे हुए हैं और अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। 24 घंटे से एक ही जगह पर खड़ी ये ट्रेन हैदराबाद से रवाना होकर मुंबई CST पहुंचनी थी, लेकिन लगातार हुई बरसात के बीच 5 फुट तक के डूबे हुए जो रेलवे ट्रैक हैं, जब ट्रेन फंसी वहां पर तो रुकी ही रह गई क्योंकि पानी वहां पर नहीं निकला है और ऐसे में ट्रेन भी वहां से चली नहीं है, लोग फंसे हुए हैं। मुंबई में लगातार जारी बरसात फिलहाल थम गई है, लेकिन मुसीबतें नहीं थमी है। सेंट्रल रेलवे का ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, तकरीबन जो है 5 फुट तक पानी इकट्ठा है और इसकी वजह से आलम यह है कि जो गाड़ियां, जो ट्रेनें जहां हैं वहीं ठप पड़ी हुई हैं। कई यात्री इनके अंदर फंसे हुए हैं लेकिन वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते और मदद की जो है वो गुहार कर रहे हैं। ये मुंबई हैदराबाद ट्रेन है, पिछले 18 घंटे से लगातार फंसी हुई है और आखिरकार इसमें फंसे जो है उन्हें अब उम्मीद है कि उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा, उन्हें निकाला जाएगा। एक ही जगह पर लोकेशन में अलग अलग हिस्सों में आकर जो है अब इकट्ठा हो गए हैं ये पैसेंजर्स। आप लोग कहां से आ रहे हैं, कब से फंसे हैं और किस तरह के हालात हैं? बहुत हालात खराब है यहां पर। कब से फंसे हैं? कल दोपहर में 1 बजे से फंसे हुए हैं। कोई मदद नहीं है रेलवे प्रशासन की तरफ से? कोई कुछ नहीं आया कि आप कहाँ बैठे हो, कैसे हो, इंतजार किस चीज़ का? इंतजार यहाँ से पानी कम हुए और हम निकले यहाँ से बाहर, ट्रेन चालू हुए और हम निकले यहाँ से।
लगातार जब बरसात हो रही थी ट्रेन में आलम क्या था, लोग जो है वो क्या किस तरह से परेशानी का एक तरह से माहौल तैयार हो? पब्लिक ट्रैक पर चलते हुए जा रही थी, हमने उतर नहीं सके क्योंकि हम उम्र में हैं और इसके उतर नहीं पा रहे थे। तो लोकल में फंसी महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। इस वक्त हम एक महिला बोगी के अंदर है, कई सारी महिला यात्री फंसे हुए हैं, सभी को अपने घर जाना है, बावजूद इसके इन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये ट्रेन कब शुरू होगी, कब तक इस ट्रेन को चल इस ट्रेन से वो अपने घर पहुंच पाएंगी, कुछ जानकारी नहीं मिल रही। और इन सभी के बीच में आपको मैं बताऊं, कई सारे ऐसे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर परेशान है, उनकी माँ से बात करते, यहाँ पर एक बच्ची है सीधे उन्हीं से बात करते। मैडम आप बताइए आप कब से फंसे हुए हैं? एक बजे से। एक बजे से कोई बता रहा है कब ट्रेन शुरू होगी? अभी क्या पता है, कुछ मालूम नहीं है। आपकी बेटी ने कुछ खाया नहीं खाया? खाया, वो भी दूसरे लोग दिया अभी इसलिए खाई हो। अच्छा, रो रही है बेचारी? रो रहा है तो अभी क्या करने का, अभी क्या करना है, क्या करना है, ये परेशानी। एक और छोटी बच्ची को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक और यहाँ पे खाला, आप मुझे बताइए आपकी बच्ची ने कुछ खाया? ये आजू बाजू वाले ने दिए तो खाए, ये खा रहे हैं। तो ये रो भी रही है बच्ची? बच्ची बहुत बीमार है, उसको हम दवा लेने गए थे और यहाँ फंसे हैं, ऐसा कि हम घर नहीं जा सकते। घर नहीं जा सकते हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके घरों में इंतज़ार करते थे। मैडम आप बताइए आप कितने टाइम से फंसे हैं, घर वाले कहाँ हैं आपके? मेरे वो विष्णु नगर बोलते हैं। ठीक है, तो आप रात को आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगी, कैसे करेंगी? इधर रहूँगी, कहाँ रहूँगी, गाड़ी रहना पड़ेगा। हाँ। पे बच्चे भी होंगे, परेशान होते रहेंगे आप? तीन वो बच्चा है, बच्चे हैं परेशान है। हाँ। ये हालत है मुंबई के लोकल ट्रेन के महिला बोगी, आप समझ सकते हैं शाम का वक्त है, सभी महिलाओं को घर जाना है। और इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है मुंबई के विक्रोली से, जहां बारिश के चलते दो इमारतें गिर गईं। हादसे में दो बच्चों समेत तीन की मौत हो गई। पहला हादसा विक्रोली के सूर्यनगर इलाके में हुआ, जहां एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हुई। वहीं दूसरा हादसा विक्रोली के ही वर्षा नगर इलाके में हुआ, जिसमें एक दो साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में दो लोग घायल हुए। मुंबई के अलावा ठाणे में भी दो लोगों की मौत की खबर है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जरा बताएं वो कैसा इलाका था जहां पर ये बताया जा रहा है कि घर दो इमारतें ढह गई, गिर गई, जिसके कारण ये हादसे हो गए। जी ये विक्रोली का जो है पहाड़ी से लगा हुआ झोपड़पट्टी का इलाका है, जहां पर एक के ऊपर एक मंजिला करके इमारत तैयार की गई हुई थी, और अचानक जो पहाड़ पर लगातार बरसात की वजह से तेज बहाव पानी का हो रहा था, उसी की चपेट में आने की वजह से जो है ये घर जो है उसके नीचे की ज़मीन खिसकी और इसके बाद ये घर गिरे हैं। दो अलग अलग हादसे हुए हैं और लेकिन दोनों ही हादसे जो हैं वो आसपास के ही इलाकों में हुए हैं, और जिनमें दो बच्चों की मौत हुई है और एक व्यक्ति जो है वो उसकी भी मौत हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से बरसात हुई है, जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि आसमान से आफत पड़ी है, उसका ही ये असर था कि उस इलाके में जो है ये पूरे घर जो पहाड़ से लगे हुए थे वो धस गए। निश्चित तौर पर आसपास के इलाकों में भी ऐसे कई घर हैं जहां पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है और साफ तौर पर उन इलाकों को खाली करने के लिए कह रही है, क्योंकि लगातार अगले 24 घंटों में तेज बरसात की जो है जानकारी जो है मौसम विभाग ने दी हुई है, और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल होंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी के मद्देनज़र जो पहाड़ी इलाके हैं, जो उनसे जुड़ी हुई झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है ये लो लाइन के इलाके में भी जो है बिजली काट दी गई है, ताकि किसी भी तरह की जो है वो आपात स्थिति तैयार न होने पाए। ठीक है, आशीष और दिनेश दोनों हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। चार तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं, भारी बारिश से मुंबई में किस प्रकार से हाहाकार है, गवाही दे रही हैं ये चार तस्वीरें। लोग जगह जगह फंसे हुए हैं और बारिश ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। बारिश से बेहाल मुंबई की ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, दादर, ठाणे, गोरेग्राम और बांद्रा की। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को कैसे मुश्किल बना दिया है। गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, यातायात ठप है वहां पर, और ऐसे में स्कूल, कॉलेज, ये सब भी वहाँ पर बंद करने की बात कही गई है। यहाँ दिक्कत की बात ये है कि अभी तो बारिश थमी हुई है, लेकिन ये भी चेतावनी दी गई है कि दोपहर के बाद यहाँ बारिश हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये तस्वीर और भी भयावह हो जाएगी।
और वहीं लगातार दौड़ती भागती मुंबई बारिश से थम गई। भारी बारिश से मुंबई में करीब 2 लाख लोग अपने दफ्तर या रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से आज भी मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने के लिए कहा गया। सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को भी कहा गया कि तेज बरसात होने पर काम पर आने की जरूरत नहीं है। इस बीच बारिश में फंसे लोगों की मदद के लिए मंडलों ने अपने खाने और रहने की व्यवस्था की है। स्टेशन पर भी लोग यात्रियों को खाने का सामान मुहैया करा रहे हैं। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं अगले 24 घंटे में भारी या बहुत भारी बारिश हो सकती है। सैटेलाइट से ली गई जो तस्वीर है उससे पता चला कि मुंबई पर अभी भी बादल छाए हुए हैं। हालांकि ये कल के मुकाबले गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि दोपहर के बाद यहां बारिश हो सकती है। अभी कुछ इलाके मुंबई में ऐसे हैं जहां पर बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन स्थिति कई जगह अभी सही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। धीरे धीरे पानी की निकासी का काम वहां पर चल रहा है।